नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रेजरेक्शन ऑफ मैग्नेटो का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में स्टॉर्म मैग्नेटो को वापस लाने के लिए वेटिंग रूम जाती है जहां पर मैग्नेटो उससे मिलता है और फिर वो उसे वापस ले आती है, लेकिन तभी उन्हें शैडो किंग रोकता है। इसलिए उसे निपटने के बाद फाइनली मैग्नेटो पुनर्जीवित हो गया है। और अब आप सब देखोगे कि मैग्नेटो किस तरह पूरे ऑर्कस पर अपना कहर बरसाने वाला है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम मैग्नेटो को देखते हैं जो अपना सूट पहन के सीधा ऑर्कस के बेस पर हमला कर देता है। तभी वहां के गार्ड्स मैग्नेटो पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उससे मैग्नेटो पे कोई असर नहीं हुआ था। तभी मैग्नेटो वहां पर अपने 3 हेलमेट लेकर आ जाता है। एक है व्हाइट एंड ग्रे कलर का, और दूसरा है ब्लैक एंड सिल्वर कलर का, और तीसरा रेड एंड पर्पल कलर का। तभी उस हेलमेट को देखकर मैग्नेटो कहता है, मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा हेलमेट पहनना चाहिए। ये कहते हैं मैग्नेटो अपनी पावर से उन दोनों गार्ड्स को उठाकर फेंक देता है। तभी बाकी के गार्ड्स ये देख लेते हैं और तुरंत मैग्नेटो को मारने के लिए आते हैं। तभी उन गार्ड्स का लीडर तुरंत बैकअप बुलाने लगता है, लेकिन तभी मैग्नेटो उस लीडर पर अपना हेलमेट मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी बाकी के सारे गार्ड्स मैग्नेटो पे फायरिंग कर देते हैं, पर उसका मैग्नेटो पे कोई असर नहीं हुआ था। ये देखकर वहां का एक गार्ड कहता है, हम मैग्नेटो को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए सेंटिनल्स को बुलाओ। वो अब तक क्यों नहीं आए? जिस पर उन गार्ड्स का लीडर कहता है, हमें सेंटिनल्स की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी मैंने बैकअप बुला लिया है और वो है स्क्वाड 0। एक बार वो आने दो, फिर इस म्यूटेंट को पता चल जाएगा कि पावर क्या होती है। लेकिन तभी मैग्नेटो वहां का डोर अपनी पावर से उठाता है और उस लीडर पे मारता है, जिसके कारण वो लीडर बेहोश हो चुका था। और फिर वहां के सारे गार्ड से गन छीन लेता है और उन्हीं गन से उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी मैग्नेटो देखता है कि वहां पर स्क्वाड 0 आ चुका था, जो आते ही मैग्नेटो को घेर लेते हैं। और तब मैग्नेटो देखता है कि उन लोगों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी। तब यह देखकर मैग्नेटो कहता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन लोगों के शरीर से निकल रही है, जो मुझे और मेरी बेटी पोलारिस के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है इन सबको जान से मार देने का, लेकिन मैं ये अभी नहीं करूंगा और देखूंगा कि ये लोग कितने ताकतवर है। यहाँ वे गार्ड्स देखते हैं कि मैग्नेटो शांति से खड़ा ये देख रहा था, और वो मान जाता है कि मैग्नेटो ने हार मान ली है। ये देखकर वहां का एक गार्ड मैग्नेटो के सर में शूट करता है, लेकिन वो गोली मैग्नेटो के सामने आके रुक जाती है। ये देखकर वो गार्ड कहता है, क्या हुआ, मुझ पर हमला नहीं करोगे? वैसे हमला करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की जगह लोकल मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकती है, और एक बार डिटेक्ट कर लिया तो यहाँ पर नो गैस फैल जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर कैद सारे म्यूटेंट्स फिसल में मारे जाएंगे। यहाँ हम कुछ म्यूटेंट्स को कैद देखते हैं जो ये देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक म्यूटेंट कहता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बचाने कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो आया है। यहाँ वो गार्ड मैग्नेटो से कहता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपनी मौत स्वीकार लो या फिर हमें खत्म करने के लिए आगे बढ़ो और इन सारे म्यूटेंट्स की मौत का कारण बनो। ये कहते हुए सारे गार्ड्स अपनी गन उठाते हैं मैग्नेटो को खत्म करने के लिए। यह मैग्नेटो सोच रहा था, और तब वो कहने लगता है, स्टॉर्म और ब्लू मार्वल अभी रास्ते में है, उनके आने तक देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते मैग्नेटो अपने 3 हेलमेट देखता है, और तब वो अपना ब्लैक सिल्वर हेलमेट देखता है और कहता है, अगर पुराने वाला मैग्नेटो होता तो वो अब तक ये सब कुछ खत्म कर चुका होता, क्योंकि उसे किसी की परवाह नहीं थी। फिर उसके बाद मैग्नेटो व्हाइट सिल्वर हेलमेट देखता है और कहता है, चार्ल्स क्या करता, वो तो स्वयं का बलिदान देता। लेकिन सब बात कहने के लिए अभी के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि मैं उन सेंसर्स को उखाड़ कर फेंक दूं इन सारे लोगों के साथ। ये कहते मैग्नेटो उन सेंसर्स को उखाड़ देता है और इन गार्ड्स के साथ मर्ज करके उन सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है, और फिर अपना रेड पर्पल वाला हेलमेट पहन लेता है। यहाँ सारे म्यूटेंट्स ये देखकर खुश होते हैं, और तब मैग्नेटो अपने पावर से उन सारे म्यूटेंट्स को आजाद करता है। यहाँ उस बेस के बाहर ब्लू मार्वल और स्टॉर्म आ चुके थे। तभी मैग्नेटो सारे कैद किए हुए लोगों को लेकर बाहर आता है, जिन्हें देखकर ब्लू मार्वल वहां पर पोर्टल खोलता है लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए।
तभी स्टॉर्म मैग्नेटो से पूछती है, क्या इतने लोग थे? जिस पर मैग्नेटो हाँ कहता है। तभी ब्लू मार्विल कहता है, काम हो गया, सारे लोग अब सुरक्षित है। ये कहते हुए तीनों आसमान में जाते हैं और तब मैग्नेटो अपने पावर से उस पूरे बेस को मिट्टी में मिला देता है। लेकिन तभी मैग्नेटो सेंस करता है कि वहाँ कुछ आ रहा है और तब वहाँ सेंटिनल्स आते हैं। ये देखकर ब्लू मार्विल कहता है, ये स्टार्क सेंटिनल्स है और ये पिछले सेंटिनल से बहुत ही एडवांस है। यह सुनते स्टॉर्म अपनी पावर से वहाँ पर थंडर लाती है और वो सारे थंडर सेंटिनल पर छोड़ती है। लेकिन उसे सेंटिनल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तब वो सेंटिनल स्टॉर्म पे अपना सोनिक वेपन इस्तेमाल करता है और स्टॉर्म को दूर फेंकता है। ये देखकर ब्लू मार्विल उस सेंटिनल पे हमला करने जाता है, लेकिन सेंटिनल उसके लिए पहले से तैयार था और वो अगले पल न्यूट्रोनियम रेडिएशन का इस्तेमाल करके ब्लू मार्विल को पीछे फेंकता है। लेकिन ब्लू मार्विल उस रेडिएशन से बचते हुए फिर एक बार सेंटिनल पे हमला करता है और उस सेंटिनल को डैमेज कर देता है। लेकिन इतना काफी नहीं था, तभी वो सेंटिनल वहां पे एक शिप देखता है और शिप को मारने जाता है। ये देखकर मैग्नेटो समझ जाता है कि शिप पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑर्कस को एक्सपोज करना चाहते हैं, इसलिए सेंटिनल उन्हें खत्म करने जा रहा है। ये देखकर मैग्नेटो तुरंत अपनी पावर से समुद्र के नीचे जो मलबा था उसे बाहर लाता है। तो वही ब्लू मार्वेल और स्टॉर्म उस सेंटिनल को रोकते हैं। लेकिन तभी मैग्नेटो उस मलबे से उस सेंटिनल पे हमला करता है और उस सेंटिनल की हालत खराब कर देता है। लेकिन अब भी वो सेंटिनल लड़ाई करने की हालत में था। ये देखकर मैग्नेटो तुरंत उस मलबे से दो रॉड निकालता है और कहता है, मैं यहाँ ह्यूमन म्यूटेंट सर्किट बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ये सुनते ही उस रॉड का एक साइड ब्लू मार्विल पकड़ता है और दूसरा स्टॉर्म और बीच में मैग्नेटो खड़ा रहता है और कुछ इस तरह वे तीनों मिलके वहां पर बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देते हैं और तब वे लोग मिलके उस सेंटिनल पे हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो सेंटिनल फट जाता है। यह ब्लू मार्विल देखता है कि उस सेंटिनल के टुकड़े शिप पर गिरने वाले थे, इसलिए वो उस शिप को बचाने जाता है। लेकिन उसके पहले ही मैग्नेटो उस शिप पर अपना कवच बना के उस शिप को बचा लेता है। तभी ब्लू मार्विल कहता है, हमें सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यह कहते हैं ब्लू मार्विल उन लोगों को ले जाने लगता है, लेकिन देखता है कि स्टॉर्म के साथ कुछ हो रहा है। तब स्टॉर्म कहती है, मुझे एमा कॉन्टेक्ट कर रही है और वह कह रही है, अच्छा हुआ मैग्नेटो वापस आ गया। ये कहते हैं एमा स्टॉर्म के जरिए मैग्नेटो से कहती है, आयरन मैन ने यह जंग हम म्यूटेंट्स के लिए शुरू की है और अब वो मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैग्नेटो तुम आयरन मैन की मदद करने जाओ। ये सुनते ही मैग्नेटो कहता है, अगर ऐसा है तो आयरन मैन को बचाते हुए हम इस दुनिया को बचाएंगे। ये कहते हैं मैग्नेटो वहां से निकल पड़ता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।